हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है जारेडा ऑनलाइन क्लासेस में। और आपके जैसे कि मैंने कहा था, 8 तारीख से आपके सभी के टेस्ट हैं। तो बच्चों, आज हमारा जो है 8 तारीख में हिंदी का टेस्ट है। आज है दिनांक 8, मार्च का तीसरा महीना है और 2021 हमारी साल है, ठीक है। चलिए, हिंदी का पेपर हमारा कैसा रहेगा, कैसे कैसे इनके आंसर हैं क्वेश्चन के, इससे पहले मैंने आपको पेपर अपलोड कर दिया था, आप सब ने वो ज़रूर देखा होगा। चलिए, और उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन अपने मन से किए होंगे। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन ले आता हूँ ताकि आप अपने आंसरों को मिला सके। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपने सब ने अपना जो पेपर है वो अच्छे से किया होगा और अच्छे आंसर लिखे होंगे। फिर भी अगर किसी का कोई आंसर गलत हुआ होगा तो वो मैं आपको इसके आंसर के माध्यम से बता रहा हूँ। तितली और कली पाठ में डाल का रंग कैसा है, तो डाल थी हमारी हरा रंग था उसका, ठीक है। कैसा रंग था, हरा रंग था। बुलबुल कैसी आवाज़ में बोलती है, तो बुलबुल बोलती है भाई ऊंची आवाज़ में, ठीक है। कुहू कुहू बहुत ज़ोर से ऊंची ऊंची आवाज़ में कोयल क्या बुलबुल बोलती है। बुलबुल के अंडों का रंग गुलाबी होता है, कैसा होता है, गुलाबी। बच्चा सूरज से गोरी और तेज़ धूप लाने की कह रहा था, ठीक है। चूहा रेशमी कपड़े से क्या बनाना चाहता था भाई, चूहा रेशमी कपड़े से टोपी बनाना चाह रहा था, वो चाहता था कि मैं भी एक सुंदर सी टोपी पहनूं। हवा और तितली कली के साथ खेलने लगे, जी हाँ, हवा और तितली कली के साथ खेलने लगे। चलिए और देखते हैं, बुलबुल उड़ नहीं सकती, गलत है, बुलबुल उड़ सकती है। चलिए, भोला ने सारंगी को जीभ से चाटा, हाँ, क्योंकि वह देखना चाहता था कि सारंगी का स्वाद कैसा था। तो मैं यहाँ लिखूं, क्योंकि वह देखना चाहता था कि सारंगी का स्वाद कैसा है, ठीक है, इसलिए उसने उसे चाटा। चलिए, चूहे ने राजा की नाक उतरने की बात की, गलत, उसने कहा था कि वह यानी कि राजा के कान कुतर देगा, तो यहाँ उसने लिखेंगे कान कुतरने की बात। ये यहाँ सही गलत लिखाना है, मैं तो बस आपको आंसर के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये पता होना चाहिए कि भाई उसने क्या कहा था। ज़रूरी नहीं है आप ये चीज़ लिखें, ठीक है, ये चीज़ लिखें, ये ज़रूरी नहीं है, आपको बस सही गलत का निशान यहाँ पे लगाना है, ठीक है। एक ही बहुत घमंडी थी, नहीं, एक ही बहुत ही सीधी और अच्छी लड़की थी। चलिए आगे देखते हैं, हरी डाल पर क्या लगी हुई थी, तो यहाँ लिखेंगे यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, में आप सब देख लें, हरी डाल पर एक एक सुंदर कली लगी। बुलबुल अपना घोंसला किससे बनाती है, बुलबुल अपना घोंसला सूखे पत्ते और लकड़ियों से बनाती है, तो यहाँ लिखेंगे सूखे पत्ते व छोटी टहनियों से, लिख सकते हैं ना, टहनियों से, छोटी लकड़ी होती है जिन्हें टहनी बोला जाता है। टेसु राजा क्या खरीद रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे टेसु राजा अनार खरीद
रहे थे। चूहा कैसा था? चूहा नटखट और शरारती था। तो यहाँ लिखेंगे चूहा नटखट और शरारती था। गाय और झाड़ी की मदद किसने की थी? तो यहाँ लिखेंगे गाय और झाड़ी की मदद एकी ने की थी। ठीक है, क्योंकि गाय को उसने घास खिलाई और झाड़ी को उसने पानी दिया। चित्र को देखकर वाक्य पूरा कीजिए। ये चित्रात्मक प्रश्न है, यहाँ पे चित्र दे रखा है, यहाँ पे आपको उसका वाक्य का आंसर लिखना है। चलिए, कौन है यहाँ पे, ये कौन है भाई, सब बताओ। तो यहाँ लिखेंगे शेर। शेर जंगल का राजा होता है। तो यार ये कौन है? बैलगाड़ी। बैलगाड़ी जा रही है। ये क्या है भाई, सब बताओ। तो ये है हमारा राष्ट्र पक्षी जिसका नाम है मोर। और ये क्या है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन बिस्तर बिछा रहा है। ठीक है, माली ने क्या लगाया जी? माली ने पौधा लगाया। बतख पानी में क्या कर रही है? तो बतख पानी में तैर रही है। ठीक है, रमन से आगरा गया, तो रमन रेलगाड़ी से आगरा गया। चलिए, प्रश्न नंबर 17 और 18 पे आ जाते हैं। आपके घर या स्कूल के आसपास कौन से जानवर या पक्षी नज़र आते हैं, पता करो और लिखो। तो जानवर नज़र आते हैं भाई, कौन कौन से? गाय, भैंस, कुत्ता और बिल्ली। आप और भी जानवरों के नाम लिख सकते हैं जो आपके विद्यालय, स्कूल के आसपास या घर के आसपास आपको दिखाई देते होंगे। बकरी भी दिखाई देती होगी ना। पक्षी में मुर्गा, चिड़िया, तोता और कबूतर। ठीक है, तो बच्चों समझ गए ना। यहाँ पे इस तरीके से आपका ये जो क्लास 2 का था आपका फाइनल वार्षिक पेपर, ठीक है, 2020-21 पूरा होता है। और समझता हूँ कि ये क्वेश्चन जो आपको मैंने आंसर लिखे हैं अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, और आप अपना आंसर इससे मैच करके अच्छी तरीके से मिला पाएंगे कि आपने जो आंसर दिए थे अपने मैडम सर को भेजे थे वो सही है या नहीं। ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ लिखेंगे एकी बहुत सीधी, यहाँ पे सीधी का लिए लिख लेंगे हम, बहुत भोली भोली लड़की थी। ये आपको लिखना नहीं है, बस ये मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया, आपको बस सही गलत में उत्तर देना है ना। ठीक है, चलिए। और यहाँ हमारे प्रश्न उत्तर थे तो वो मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं टैनियों से। यहाँ से पूरा कर दूँ मैं आपका ये क्वेश्चन से, घोंसला बनाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके यहाँ पूरे हो गए हैं। तो बच्चों जिसने भी अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नए नए वीडियोस हैं वो आपको मैं ऐसे ही टाइम से टाइम आपके लिए लाता रहूं। पूरे पेपर
यहाँ पे क्लास 1 से 5 के अपलोड होंगे। जिसने भी अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो सब्सक्राइब बटन को दबा दो और अपने जो भी कमेंट हैं कमेंट में मुझे लिख सकते हो। आपको वीडियो कैसा लगा ये भी मुझे बता सकते हो। यदि अच्छा लगा तो आप थैंक यू लिख सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही हमारे वीडियोज़ को लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।